बच्चों, अब देखो हमने जो घन घन मूल पढ़ रहे थे उसमें आगे का एक तरीका और पढ़ते हैं। प्रश्नावली में नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। यदि मान लो ऐसा लिखा हुआ है, दो का घन माइनस एक का घन, दो का घन माइनस एक का घन, तो देखो कितना उत्तर आया, दो का घन आठ, एक का घन एक, कितना हो गया हमारे पास, सात हो गया। अब सात को लाने का एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कैसे करना है। एक गुणा, एक गुणा, ये वाला एक नहीं है, ये अलग से एक है, एक गुणा इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा, सॉरी यहां गुणा नहीं, प्लस का निशान, दो गुणा एक गुणा तीन, ये समझ जाओ कैसे आया। यदि दो लगातार संख्याएं हैं उनके घनों को आपस में गठा रहे हैं, उनके घनों को आपस में गठा रहे हैं तो क्या बचेगा, वो बचेगा एक प्लस उन दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा तीन। दो का घन आठ होता है, एक का घन एक होता है, आठ में से एक गया तो सात बच गया। अब सात देखो यहाँ पे कैसे पता चल गया, एक का तो एक और ये सब गुणा हो रही हैं तो तीन एकम तीन, तीन दुनी छः, छः और एक कितना हो गया सात। यदि आपको दो लगातार आने वाली संख्याएं, दो लगातार आने वाली संख्याओं का घन आपस में गठवाए माइनस करवाए तो कैसे करना है, इस प्रकार से। और उदाहरण देख लो, तीन का घन माइनस दो का घन, तीन का घन सत्ताईस होता है, तीन गुणा तीन गुणा तीन, और दो का घन दो गुणा दो गुणा दो आठ होता है, यानी सत्ताईस में से आपको कितने कम करने हैं, आठ कम करने हैं, तो कितने बच जाएंगे, उन्नीस बच जाएंगे। अब इसका देखो तरीका, एक प्लस ये एक और ये लास्ट वाला तीन आएगा, ये लॉजिक है इस वाले में, तो एक प्लस यहाँ क्या करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे दोनों संख्याओं को गुणा किया यहाँ पे भी, तो तीन गुणा दो गुणा तीन, ये एक प्लस ऐसा कैसा, ये तीन गुणा भी ऐसा कैसा, बीच में केवल इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, आप चाहो तो देख सकते हो, तीन तिया नौ, नौ दुनी अट्ठारह, अट्ठारह में एक जोड़ा तो कितना आया, उन्नीस आ गया, आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और बता देता हूं इसमें, मान लो ये दिया गया हो पांच का घन माइनस चार का घन, लेकिन यहां दोनों लगातार आने वाली संख्याएं होनी चाहिए, क्रमागत संख्या, तो इसमें क्या होगा, एक प्लस पांच गुणा चार गुणा तीन, पांच गुणा चार गुणा तीन, तो एक प्लस पांच चार बीस, बीस तिया साठ, साठ और एक कितना हो गया इकसठ। पाँच का घन आपको पता है ना 125 होता है, और चार का घन कितना होता है चौंसठ, 125 में से चौंसठ घटाओगे तो कितना बच जाएगा, इकसठ बच जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब इसके अंदर मैं आपको दो एक क्वेश्चन एच डब्ल्यू के दे देता हूँ, नौ का घन माइनस आठ का घन, ग्यारह का घन माइनस दस का घन, तो कितना आंसर आएगा, कितना शेष बचेगा, ये आपको बताना है, इसको नोट कर लो। फिर हम इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से हमने किया था ना वर्ग वर्ग मूल वाला, कि निम्न को कम से कम किस संख्या से गुणा करें ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, निम्न को कम से कम किस संख्या से भाग दे कि वो पूर्ण घन, वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब प्रश्न वो का वही है, इसमें भी आपको गुणा भाग करना होगा घन बनाने के लिए। तो देखो आपको एक क्वेश्चन सरल सा, 243 पूर्ण घन संख्या है क्या, पूर्ण घन संख्या है क्या, 243 पूर्ण घन संख्या है यह पता करना है। तो हमें क्या करना है, 243 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, देखते हैं कितने का जाएगा, दो का तो नहीं जाएगा इसमें, चार और तीन सात और दो नौ, तो तीन का चला जाएगा, आठ ती चौबीस और तीन एकम तीन 81 बार, फिर तीन का देंगे इसके अंदर, तीन का देंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, फिर तीन का दिया तो 9 आ जाएगा, फिर तीन का दिया तो 3 आ जाएगा, फिर तीन का दिया तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए,
243 के टुकड़े हुए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये हुए। अब इसमें जो पेयर बनता है, युग्म बनता है, तो वो कितने ते का बनेगा? 3-3 का बनेगा। घनमूल है तो घनमूल में 3-3 का बनता है, वर्गमूल में 2-2 का। अब यहाँ देखो ये 2 बच गई, नहीं बनाना, इसमें एक कम रह गया, तो यदि इसका बन जाता तो क्या होती है? पूर्ण घन संख्या होती, पूर्ण घन संख्या होती 343। यदि यहाँ पे भी एक बार 3 और आ जाता, यानी कुल मिलाकर 6 × 3 होता इसमें, तो 343 एक घन संख्या होती, लेकिन ये पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1-3 का युग्म नहीं बन रहा है। तो अब देखो इसी में ही समझा देता हूँ आपको। अब इसमें क्या किया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए? तो गुणा करने पर तो ध्यान रखो बच्चों, जुड़ जाएगी संख्या आगे, कम है ना वो पूरी हो जाएगी, और भाग देने पर जो ज्यादा आया हुआ है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, वो हट जाएगा। तो गुणा की बात करा, यानी इसमें दोनों सिखाएंगे हम आपको, गुणा और भाग इसी प्रश्न में। यदि गुणा की बात करें तो हमें संख्या जोड़नी है, गुणा में तो जोड़ना है, तो देखो कितना जोड़ना है, 1-3 जोड़ना है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करने पर 243 पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि 1-3 की कमी है, 1-3 और गुणा होते हैं, ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ गए गुणा वाला? चलो इसी को भाग वाले में समझ लेते हैं। भाग देने से संख्या हटेंगी, गुणा से तो लगेंगी, भाग देने से हटेंगी, तो हमें हटाना है। ये पूरा का पूरा युग्म बन गया लेकिन ये नहीं बना, तो हमें कितने 3 हटाने हैं? 3 × 3, 3 × 3 का मतलब होता है 9। तो 243 में या तो 3 × 3 लिख दो ये वाला, या लिख दो 9, इन दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा? 9। 243 में 9 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि वर्ग वाले के अंदर आपने पढ़ा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ठीक है? इसमें पेयर बनेंगे 3-3 के, उसमें पेयर बनता है 2-2 संख्याओं का, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। आगे का अपना प्रश्न है, ५३,240 को किस संख्या से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी? 53,240 को किस संख्या से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी? वर्ग नहीं, घन। तो 53,240 है, तो 53,240 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 53,240, 2 का भाग चला जाएगा ना इसमें, 2 × 6 × 6 × 2 × 0 यही आया। फिर चलो और 2 का भाग जाता है तो 2 का दे दें। अब देखो घन संख्या होती है ना, उनमें एक नियम होता है कि उनमें एक संख्या एक बार आ गई तो वो कम से कम 2 बार और होगी, यानी टोटल कुल मिलाकर कितनी होनी चाहिए, वो 3 होने के चांस बनते हैं उनके अंदर, 1, 3, 3, 1 और 0। अब फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 6 × 6 × 5 × 5 यहाँ 6 बार चला गया, 12 हो गए, फिर 1 बच गया, फिर 6 बार चला गया, 12 हो गया, 1 बच गया, यहाँ 11 हो गए, 5 बार गया, 1 बचा, 10 हो गए, 5 बार चला गया। अब इनमें जाता है 5 × 5 = 10, 10 × 6 = 16, 16 × 6 = 22, तो इसमें नहीं जाएगा 3 का, तो अब 5 का ही दे दो इसमें, 5 × 5 1 बच गया, 16 हो गया, 5 × 3 = 15, 1 बच गया, 5 × 3 = 15, और फिर 5 × 5, ठीक है, ये आ गया।
अब मैंने आपको बताया था ना 1331 कितने का घन होता है, घन यदि याद हो गए तो यहाँ कर लोगे आप कितने का भाग लगाओगे इसमें डायरेक्ट 11 का, कितनी बार जाएगा 121 बार जाएगा, फिर वापस 11 का लगाएंगे 121 में कितनी बार जाएगा 11 बार भाग जाएगा, फिर 11 में इसमें लगा देंगे क्या बचेगा शून्य बचेगा, तो 53,240 इसके अभाज्य गुणनखंड आए 2 × 2 × 2 × 5 × 11 × 11 × 11 है, यही आया। हमें क्या ज्ञात करना है कि भाग करने पर पूर्ण घन, तो पूर्ण घन देखो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, लेकिन इसका नहीं बना, इसका नहीं बना ना, और ये क्या है 5 है, एक बार आया, प्रश्न पढ़ो भाग लगाना है मतलब हटाना है, यदि गुणा होता तो हमें इस 5 के जोड़े बनाने पड़ते, अब जो एक्स्ट्रा आ गया उसको हटा दो, तो 53,240 को कितने से भाग दे देंगे, जो ज़्यादा संख्या आ गई उसी से भाग दे देंगे, तो 5 आ गया ना, 5 से भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमने इन दो वीडियो में जो हमारा 13वां और 14वां नंबर का ये जो वीडियो था भाग, इनमें हमने इस प्रश्नावली घन और घनमूल के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियाँ पढ़ी हैं, यही बेसिक सी जानकारियाँ यदि आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपकी प्रश्नावली 7.1 और 7.2 करने में बहुत सरलता होगी और आपको उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 7.1 नंबर की प्रश्नावली, तब तक के लिए धन्यवाद।